गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स वेलकम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है इसे देख लेते हैं और फॉर्मेट हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में अब इसमें क्या है हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें आइटम्स हमारी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों मिक्स करके दी हुई है हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है ट्रेडिंग के आइटम्स इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक्स सेल्स रिटर्न परचेस परचेस रिटर्न सेल्स पहले इनको सेट कर लेते हैं और एक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आप देखें पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा फिर परचेज आएगी इसमें से परचेज रिटर्न लेस करेंगे यहां सेल आएगी फिर सेल्स रिटर्न लेस करेंगे और इधर आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक अब यहाँ पे जो एक्सपेंसेस आएंगे वो कौन से होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस अब दिए कौन कौन से हुए हैं कैरेज इन्वर्ट यानी कि कैरेज ऑन परचेज परचेज के ऊपर जितने भी खर्चे हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस के होते हैं और कैरेज अलाउड इनडायरेक्ट है ये नहीं आएगा सैलरी नहीं आएगी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी कमीशन नहीं आएंगी वेजिस कस्टम ऑक्ट्रॉय ये आएंगे कैरेज वेजिज कस्टम ऑफ्रॉय बाकी सारे क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये है डायरेक्ट सिर्फ ये शो करने हैं आपने उसके बाद इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का करेंगे अब बैलेंस कहाँ पे बच रहा है हमारा अब इधर बैलेंस बच रहा है इस साइड का ज्यादा है तो ये आएगा ग्रोस प्रॉफिट इसे हमने कहाँ ट्रांसफर करना है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है अकाउंट दैट शोज एनुअल नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट और लॉस लॉस ऑन अ बिजनेस इज कॉल्ड एंड जो हमारा एनुअल पूरे साल का नेट प्रॉफिट या लॉस दिखाता है उसे क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बनाया जाता है ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए और ये हमारा कॉम्पोनेंट किसका है फाइनल अकाउंट का इसमें सबसे पहले क्या है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वैसे ही दो आएंगी सबसे पहले इसमें क्या दिखाना है हमारे पास जो दी हुई है क्रेडिट साइड की दी हुई है क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आएंगे ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस प्रॉफिट कौन सा जो ट्रेडिंग अकाउंट से लेके आए हैं दूसरे नंबर पे आएंगे हमारे पास इनडायरेक्ट रिवेन्यूज यानी कि इनडायरेक्ट इनकम सेकेंड नंबर पे ये कौन सी साइड है क्रेडिट साइड राइट साइड में और उसके बाद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या होता है जो हमारा डिफरेंस होता है किसका टोटल रिवेन्यू उस पीरियड के और टोटल एक्सपेंसेस इन दोनों का जो डिफरेंस निकाल के आएगा वो क्या होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस और नेट प्रॉफिट कब आता है जब हमारे रिवेन्यू एक्सीड करते हैं टोटल एक्सपेंस से और नेट लॉस कब आता है जब हमारे एक्सपेंस एक्सीड करते हैं हमारे रिवेन्यू से उसके बाद हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है यह आप देखें सबसे पहले ये इसकी क्रेडिट साइड है ये डेबिट साइड है यहाँ पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस लिया ग्रोस प्रॉफिट अगर लॉस आया तो यहाँ पे ग्रोस लॉस में लेके आएंगे लेफ्ट साइड में और नीचे जितने भी सारे दिए हैं वो हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इधर क्या सारी दी हुई है इनडायरेक्ट इनकम लिस्ट काफी बड़ी है इसके अलावा भी बहुत होती हैं तो जो हमारे ट्रेडिंग में आते हैं वो सारे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और परचेज के खर्चे होते हैं ये उसके बाद के किए गए खर्चे हैं ऑफिस के जो हमारे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के बाद यानी कि प्रोडक्ट जब बनके तैयार हो जाता है बिकने के लिए तो सेल के सारे खर्चे आएंगे और उसके अलावा प्रोडक्शन के अलावा जो खर्चे होते हैं वो सारे इसके ऊपर आएंगे और जो सेल के ऊपर होते हैं खर्चे वो यहाँ पे आएंगे अब यहां पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी वाले एग्जाम्पल से जो हमने अभी किया था डिस्कस वहां से हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को मर्ज करके बनाना है तो ट्रेडिंग अकाउंट तो हम इतना पार्ट बना चुके हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पहले आइटम्स निकालें ये वाला जो ग्रोस प्रॉफिट आया था 27 का ये अब यहां पे डाउन करेंगे इसमें खाली प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना आपने आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइन करके बनाना है इस बैलेंस को आप यहां पे लेके आएंगे उसके बाद पार ये पार्ट इनडायरेक्ट इनकम के लिए छोड़ा है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए अब इसमें आइडेंटिफाई करें कौन कौन सा आएगा इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट का पार्ट है इसमें नहीं आती खर्चे और इनकम आएंगे इंश्योरेंस आएगा डिस्काउंट आएगा और सैलरी ये तीनों यहां पे सैलरी इंश्योरेंस डिस्काउंट कमीशन भी दिया हुआ है यह हमारा कमीशन भी दिया हुआ है है? ये सारे दी हुई है ये क्रेडिट साइड दी हुई है जब भी आपको इस का, इस टेबल का दोनों तरफ का टोटल इक्वल शो करके दिया हुआ तो दैट मीनसम फिगर से आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डेबिट कौन सी और क्रेडिट कौन सी है इसमें आइडेंटिफाई नहीं करना है ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है दिया हुआ है तो डेबिट वाले सारे खर्चे होंगे तो ये जो सैलरी है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे आ गया अब क्रेडिट में क्या क्या रह गया जो हमने डालना है लोन तो हम डालेंगे नहीं ये बैलेंस शीट में आएगा लाइबिलिटी होती है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट हमें मिला वो आएगा क्रेडिट साइड में ये हमारी इंडायरेक्ट इनकम है ग्रोस प्रॉफिट के नीचे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ये शो किया आपने अब इसका टोटल किया और इसका टोटल किया इस साइड का ज्यादा है ट्वेंटी नाइन और इस साइड का कम है तो जो बैलेंस बचा यहाँ पे वो क्या बचा नेट प्रॉफिट ये कहाँ पे जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट में जाएगा नेट प्रॉफिट ठीक है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्वेश्चन के बाद हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट वो भी मैं आपको साथ ही बता देती हूं. थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेट uh, के साथ फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम तीनों को कंबाइन करके करेंगे अब बैलेंस शीट क्या होती है जिसमें हमारी नॉन रिवेन्यू आइटम्स आती हैं। ओके okay, इसको नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं नेक्स्ट क्लास में आज अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन करो ये वाला मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर देती हूँ आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों करके देखने क्वेश्चन